हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल्स की स्टडी की थी। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल, उस पर क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन पे ख़त्म किया था। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट, क्वेश्चन वापस देखो क्या है। इफ़ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी नहीं है ना, एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ प्लस बराबर जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी डी एस एक्स प्लस टू एफ डैश वाई इक्वल टू जीरो टच एक्सटर्नली। भाई ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। हाँ भाई, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो सी वन सी टू बराबर क्या होगा, आर टू। तो इसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसका सेंटर माइनस जी डैश कॉमा माइनस एफ डैश। तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो भी है वो इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस के सम आएगा। इसका रेडियस रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और इसकी रेडियस रूट में जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा जाएगा। सी हटने के बाद भी तो बहुत बड़ी जाएगा, बड़ा जाएगा लेकिन हो जाएगा कि भाई दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो सी वन सी टू के बीच की डिस्टेंस बराबर आर वन प्लस आर टू। सही है, ऐसे तुम लोग कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक एक डेट बेस भेजेगा, आंसर आ जाएगा। अपन दूसरे तरीके से करते हैं। चलो मैं इसकी हिंट दे देता हूँ, इधर ध्यान, पहले मैं इसकी हिंट दे देता हूँ। इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, रूट में माइनस जी डैश प्लस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ डैश प्लस एफ का होल स्क्वायर, आर वन प्लस आर टू रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी नहीं बेटा, जी डैश का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर माइनस सी, इसमें भी सी नहीं। वो सेट क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान दो आने क्या वाला है, ये बिना रूट के आएगा, ए स्क्वायर बिना रूट का, एक चीज़ रूट में आएगी टू रूट ए रूट बी, ये बिना रूट वाला इधर ले आना, फिर से बहुत सेट क्या कर देना, स्क्वायर। ये इनमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जिसमें दिमाग लगता है, और जहाँ दिमाग लगता है वहाँ को आंसर छोटे हो जाते हैं। देखो कैसे, ये दोनों सर्कल एक स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बताओ कौन सी। ये दोनों सर्कल एक स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेंटर तो दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ये भी जी ओरिजिन से पास हो रहा है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। ये दोनों सर्किल ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ये तुम्हें चमकना चाहिए। अगर ये दोनों सर्किल ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो मेरी बात सुनो, सुन लेगा। अगर ये दो सर्किल ओरिजिन से पास हो रहे हैं और दोनों सर्किल टच भी कर रहे हैं तो ये कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों सर्कल ओरिजिन से पास करें और ओरिजिन भी टच कर जाए। क्यों सर, ये भी तो केस हो सकता है, दो सर्कल कट कर रहे हैं तो बेटा कट कर रहे हैं तो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, पर मुझे तो टच करवाना है ना, तो टच भी कर रहे हैं और कॉमन पॉइंट इनका ओरिजिन ही दिख रहा है टच करने वाला। तो जरा ध्यान देते हैं, इसका सेंटर बताना वापस एक बार, माइनस जी को माइनस एफ, और इसका सेंटर माइनस जी डैश कोमा माइनस एफ डैश। क्या तुम्हें ये बात चमकती है कि ये दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं और ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पर टच कर रहे हैं, फील आती है यार दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो लगता है दोनों जीरो कोमा जीरो पर टच कर रहे हैं। अगर ये जीरो कोमा जीरो पर टच कर रहे हैं तो ये एक ही लाइन में होंगे, अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो इसकी स्लोप एम ऑफ ए बी बराबर होगा एम ऑफ बी सी। इसकी स्लोप बताओ, जीरो माइनस माइनस एफ, एफ बटा जी माइनस एफ डैश बटा में माइनस एफ जी डैश बराबर माइनस एफ डैश जी, खत्म। आगे क्या, एफ डैश जी बराबर जी डैश हो गया, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। जो ये डीसीटी डीसीटी पढ़ रहे थे अपन इतनी देर से, उस अब डीसीटी की लेंथ कैसे कितनी है,
DCT की लेंथ कितनी है, अब वो पढ़ेंगे। DCT क्या होती है, सर्कल के सेंटर के जो सेम साइड लाइन होती है वो क्या होती है, DCT। यार DCT की लेंथ बताओ, लेंथ का मतलब टचिंग पॉइंट से टचिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये बतानी। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये है, ये अलग है, ये अलग है, ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये टच पॉइंट से टच पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। सर्कल अगर ऐसा है तो यहाँ टच कर रहा है और इसके यहाँ टच कर रहा है, तो C1 तो यहाँ है, C2 से यहाँ, ये डिस्टेंस अलग है, ये अलग है। तो देखो कैसे करना है, तो एक सर्कल ले लिया, एक और दूसरा सर्कल ले लिया, ये DCT की लेंथ है, ठीक है, ये R1 है, इस सर्कल की रेडियस, ये R2 है, इस सर्कल की रेडियस। मैंने इसके सेंटर से, अच्छा अपन को क्या निकालनी है, DCT की लेंथ, मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट ये लेंथ निकालनी है बच्चा। इसको मैं L एक्सटर्नल बोल देते हैं, किताब वाले बोलते हैं L एक्सटर्नल। इसके सेंटर से मैंने इस लाइन को थोड़ा लंबा किया और इसके सेंटर से इसे परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो सुनो भाई, ये R1 है तो ये भी क्या होगी, ये R1 है तो ये भी क्या होगी, R1 कंप्लीट। इस पर तुम ट्राई करो कि भाई एक बार परपेंडिकुलर डालो और तुम इसे L की लेंथ बताओ मुझे। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये लाइन पैरेलल है तो इसके पैरेलल एक पैरेलल लाइन डाल दी मैंने, तो ये L एक्सटर्नल है तो ये भी क्या होगी, L एक्सटर्नल ही होगी ना। ये R1 है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो मैंने पैरेलल लाइन डाली है, डायग्राम में नहीं लग रहा पर ये भी कंप्लीट कितना है, ये R1 ही। और बेटा ये चीज़ कौन सी है, ये चीज़ कौन सी है, तो मुझे ये लेंथ बता दो, ये वाली R1 - R2। वापस देखो ये है DCT की लेंथ, मैं ये नहीं निकाल पा रहा तो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये R1 है तो ये पूरी भी क्या है, मतलब ये रेक्टेंगल मान लो तुम, ये पूरी R1 है, इस पूरी R1 में से ये R2 हटा दी तो इतनी क्या है, R1 - R2 ये लेंथ है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मुझे जिसमें ये 90 डिग्री है, ये है R1 - R2, ठीक है, ये है सीधा, मतलब बेस है ये सीधा D, मतलब हाइपोटेन्यूस है D, और ये लगभग बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, D का स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस बराबर क्या, L एक्सटर्नल का स्क्वायर प्लस R1 - R2 का स्क्वायर। लेंथ ऑफ DCT L एक्सटर्नल D स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो L एक्सटर्नल या DCT की लेंथ आ गई रूट में D स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, समझ आओगी बात, नहीं तो यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल डाल के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस लाइन के पैरेलल लाइन पैरेलल खींची, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, मैंने L एक्सटर्नल निकाल ली। D का मतलब है दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी C1 C2, वेयर D = C1 C2, और R1 R2 बताइए, ठीक है, C1 into C2 नहीं, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है C1 C2। कोई डाउट, नोट। देखो DCT की लेंथ तो बता दी, रूट में D² - R1 - R2 का। अब DCT में क्या है कि यार ये जो सर्कल की जो DCT है ये आगे कहीं जाकर एक दूसरे को कट करेगी, दो सर्कल की ये जो दो DCT है ये DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आगे जाके क्या करेगी, कट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ DCT यानी P की बात हो रही है, डिवाइड्स C1 C2 इन द रेशियो R1 - R2 एक्सटर्नली। वापस स्ट्रेट लाइन है, क्या कहा, ये पॉइंट पी C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, किस रेशियो में, R1 - R2 में C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ये वही बात है,
कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कोई थर्ड पॉइंट पी है जो बाहर से इस ए बी लाइन को आर वन रेशो आर टू में क्या कर रहा है, डिवाइड। ये वही चीज है, याद आइए। अब कैसे कर रहे हैं सर, तो देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें, पी सी वन, ये लो लो, इसको एम नाम दे दो और इसको नाम दे दो एन, इसकी रेडियस आर वन, इसकी रेडियस आर टू, दो ट्राइंगल दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, इन ट्राइंगल एम सी वन पी एंड ट्राइंगल एन सी टू पी, एम सी वन पी ट्राइंगल दिख गया, एन सी टू पी ट्राइंगल दिख गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, कैसे है, दोनों में 90 डिग्री है और दोनों में ये वाला एंगल सेम है। जब भी किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल आर सिमिलर, एस क्यों, दो एंगल सेम है तो तीसरा भी तो सेम ही होगा, कॉन्वेंट नहीं है, सिमिलर है। तो ट्राइंगल एम एन सी सिमिलर टू ट्राइंगल एन सी टू पी, सही बात है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो सेम होता है, तो इस ट्राइंगल की ये साइड एम सी वन बटा इस ट्राइंगल की एन सी टू बराबर इस ट्राइंगल की सी वन पी बटा इस ट्राइंगल की सी टू पी, सी टू पी ये कौन है आर वन, ये कौन है आर टू, तो आर वन बट्टा आर टू बराबर सी वन पी बट्टा सी टू पी, यानी कि कुछ ये सिचुएशन बन रही है कि अगर सी वन है, सी टू है और पी है, तो सी वन पी आर वन और सी टू पी आर टू, यानी ये जो पॉइंट पी है ये सी वन और सी टू को ज्वाइन करने वाली लाइन को आर वन रेशो आर टू में क्या कर रहा है, डिवाइड। सी वन पी और सी टू पी बराबर आ गया आर वन रेशो आर टू, कुल मिला के डी सी टी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी वन सी टू को जोड़ने वाली लाइन को आर वन रेशो आर टू में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। हाँ, तो अगर ये पी पर निकालना है तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम माइनस एन, यहाँ पर एम की जगह कौन है आर वन आर टू, एम और एन की। इस बात में कोई डाउट है तो पूछो कि सी वन पी से लेकर सी टू पी का जो रेशियो है वो है आर वन रेशियो आर टू, ये मैंने डायग्राम में बना दिया, C1 से लेकर P R1 और C2 से P R2, तो ये फील आती है कि पॉइंट P है जो इसको जोड़ने वाली लाइन को R1 रेशियो R2 में डिवाइड कर रहा है, इन्हें तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा रखा है, नोट करो। इस बार मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ DCT डिवाइड C1 से R1 रेशियो R2 एक्सटर्नली, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टी सी टी डिवाइड सी वन सी टू इन द रेशियो आर वन रेशियो आर टू इंटरनली, इधर ध्यान दे शिवम, ये आर वन है और ये क्या है आर टू है, तो बताओ ये टी सी टी है कि नहीं है, टी सी टी क्या होती है, ऐसी लाइन ऐसी टेंजेंट जिसका सेंटर क्या हो, दोनों सर्कल के सेंटर अपोजिट साइड होने चाहिए, तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, एम सी वन पी और एन सी टू पी, बताओ सिमिलर है कि नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। हाँ और क्या, बस बहुत है, या यूँ मान लो मैं बराबर कर रहा हूँ, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस, तो आर वन इस ट्राइंगल की आर वन बटा उस ट्राइंगल की आर टू बराबर इस ट्राइंगल की पी सी वन और उस ट्राइंगल की, क्या रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कुल मिलाकर ये आ रहा है अपने पास कि पी सी वन, पी से सी वन है आर वन और पी सी टू कितना है आर टू, यानी पॉइंट पी से सी वन और सी टू का रेशियो है आर वन रेशियो आर टू, यानी टी सी टी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी वन सी टू को मिलाने वाली लाइन को आर वन रेशियो आर टू में क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक है, नोट करो। लेंथ ऑफ टी सी टी नहीं एडिंग क्या है, टी सी टी की लेंथ देखो, एक सर्कल है एक दूसरा सर्कल है, टी सी टी क्या होती है, इधर देख टी सी टी क्या होती है, तो इसको भी टच करे इसको भी टच करे
और जैसे ही टच करे सेंटर उस लाइन के अपोजिट आना चाहिए, समझ गया। इसकी लेंथ निकालनी है। मैंने सेंटर से ज्वाइन करने लाइन को मिला दिया, ठीक है। ये रेडियस है आर वन और ये रेडियस क्या है आर टू। यहाँ से मैंने इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला। नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर मुझे ये बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है। देखो ये आर वन है तो ये आर वन होगी और ये क्या होगी इतनी इतनी आर वन प्लस आर टू। तो वापस देखो, अच्छा डायग्राम पहले से बना रखा है। एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये आर वन है बेटा, तो ये भी कितनी होगी आर वन, ठीक है। और ये क्या है आर टू, तो कंप्लीट है ये आर वन प्लस आर टू। इसमें से टी सी टी कौन है? ये है ना टी सी टी। इसकी लेंथ निकालूं या इसकी लेंथ निकालूं, एक ही बात है, टी सी टी के पैरेलल है। चलो ये ट्रायंगल ले लो, सी वन सी टू एम लेंगे, सी वन सी टू एम, चलो एस, बस एस अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है, ये कहते शिवम नाम है इसलिए एस, ये कहते गौरव, ये बोलते एच, जो भी है। इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला कौन है? तो डी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कौन है? टी सी टी है। टी सी टी को बोलते हैं एल इंटरनल। भाई ये टी सी टी है तो इसके पैरेलल भी है, इसकी लेंथ ही है एल इंटरनल। तो एल इंटरनल का स्क्वायर प्लस प्लस किसका स्क्वायर? इस ट्राइंगल में ये है आर वन प्लस आर टू। तो बेटा इंटरनल का स्क्वायर बराबर आ गया डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। तो टी सी टी की लेंथ आ गई रूट में डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात? यस सर। एक बात का जवाब दो, डी सी टी की लेंथ ज्यादा होगी कि डी सी टी? लेंथ ऑफ डी सी टी क्या थी? डी सी टी ज्यादा होगी, डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू, डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर से ज्यादा माइनस हो जाएगा तो फिर। और डी सी टी की लेंथ क्या थी? डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। कौन सी लेंथ ज्यादा है? देखो दोनों में डी स्क्वायर है, इस डी स्क्वायर में से आर वन में से आर टू मतलब कम घट रहा है, तो ज्यादा में से कम घटेगा तो क्या आएगा? ज्यादा। इस डी स्क्वायर में से आर वन प्लस आर टू ज्यादा घट रहा है, तो डी स्क्वायर में से ज्यादा घट रहा है तो क्या आएगा? कम आएगा। तो लेंथ ऑफ डी सी टी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ टी सी टी। ध्यान रखोगे क्या? चार बातें बताइए, लेंथ ऑफ डी सी टी, लेंथ ऑफ टी सी टी। डी सी टी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर को मिलाने वाली लाइन को आर वन रेशियो आर टू में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और टी सी टी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर वन रेशियो आर टू में इंटरनली डिवाइड करता है किसको? हाँ, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को करता है, ठीक है क्या? ये टॉपिक यहाँ पर खत्म है, नोट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स दिस एंड फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। इन दो सर्किल पर एक तो मुझे कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी। कैसे करेंगे? एक सर्किल है ये रहा, इसका सेंटर है 1.3 इसका सेंटर है। एक सर्किल और है, इसका सेंटर है 0.0। अब मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा ये सर्किल कैसे हैं, दूर दूर है कि टच कर रहे हैं कि अंदर है। उसके लिए सी इसका आर वन निकालो और इसका आर टू निकालो। चलो सी वन सी टू निकालो, सी वन सी टू रूट में 1 - 0 का स्क्वायर 1, 3 - 0 का स्क्वायर 9, सेंटर के बीच की डिस्टेंस है √10, इसको डी मान लेते हैं। आर वन निकालते हैं, आर वन है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 9 - 6 3, 3 और 1 4, 4 का √2। आर टू उस सर्कल की रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी वन। सी वन सी टू जो है, सी वन सी टू क्या ये ग्रेटर देन है आर वन प्लस आर टू?
सीवन सी टू के बीच की डिस्टेंस है रूट दस, तीन से ज़्यादा है। आर वन प्लस आर टू दो प्लस एक, ये तीन है, तो तीन से ज़्यादा, ये जो रूट दस है वो तीन से ज़्यादा है, यानी सर्कल एक दूसरे को टच मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दूर दूर एक दूसरे से। जब भी सी वन सी टू आर वन प्लस आर टू से ज़्यादा आता है तो दो सर्कल डिफरेंट पोजिशन पर होते हैं, दूर दूर होते हैं, सही है। तो दो डी सी टी बनेगी और दो टी सी टी, लेंथ तो दोनों की सेम ही होगी। चलो लेंथ ऑफ डी सी टी निकालते हैं। डी सी टी की लेंथ होती है डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। डी होती है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस रूट दस, उसका स्क्वायर दस। आर वन माइनस आर टू दो माइनस एक का स्क्वायर, दो में से एक गया तो एक, दस माइनस एक नौ, रूट नौ कितना तीन। डी सी टी की जो लेंथ है वो आ गई तीन। वैसे लेंथ ऑफ टी सी टी, टी सी टी होता है रूट में डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। डी अगेन टेन माइनस आर वन प्लस आर टू कितना है दो प्लस एक तीन, दो प्लस एक तीन का स्क्वायर दस माइनस नौ। ये बता दिया मैंने, लेंथ बता दी दोनों की। अब दोनों की क्या बतानी है इक्वेशन, उसके लिए एक कंसेप्ट और पढ़े हैं मैंने। ये पढ़ाया कि यार इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, यही था मैंने पढ़ाया। डी सी टी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो पी है वो सेंटर को मिलाने वाली लाइन को, सेंटर को मिलाने वाली लाइन को क्या करता है एक्सटर्नली डिवाइड करता है आर वन रेशियो आर टू में, इंटरसेक्ट है। वापस देखो डी सी टी का जो ये पॉइंट है पी डी सी टी का वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है सेंटर्स को। इसका सेंटर क्या है वन थ्री, इसका सेंटर क्या है जीरो जीरो। किस रेशियो में डिवाइड करता है आर वन रेशियो आर टू, आर वन है टू वन। डायग्राम इंटरनली का बनाया पर मन में पता ही एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला माइनस का लगाऊंगा। तो एक्स कॉमा वाई, एक्स बराबर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बट्टा एक्स कितना आ गया माइनस वन बाई वन यानी माइनस वन। वाई एम वाई टू माइनस एन वाई वन बट्टा दो माइनस एक कितना माइनस तीन। तो एक्चुअल में ये पॉइंट है माइनस वन कॉमा माइनस तीन। चलो ध्यान दो इम्पोर्टेंट बात, ये जो लाइन है वे स्ट्रेट यही है ना, टेडी बन गई, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन किससे पास हो रही है, इसकी स्लोप मान लो एम। तो अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है ऑटोमेटिकली उसकी भी तो टेंजेंट ही है, तो कोई एक सर्कल ले लेते हैं उससे कर देते हैं। अगर ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालूंगा वो किसके बराबर होगा रेडियस के, वही बात है ना। ये टेंजेंट है, इसको कैसे पता चलेगा मैं टेंजेंट हूँ, जब P बराबर क्या होगा R, तो P बराबर R कर दो। P 0.0 से इस लाइन पर टेंजेंट डाल रहे हैं, तो भाई इस लाइन की इक्वेशन लिखो y माइनस वाई वन, दिख रहा है क्या, देखना एक बार वाई माइनस वाई वन, गलत दिखा है पॉइंट माइनस तीन है, y माइनस वाई वन बराबर इसकी स्लोप इंटू x माइनस एक्स वन। सॉल्व करो इसको तो आ गया एम एक्स, एम एक्स माइनस का वाई, एम एक्स माइनस का वाई प्लस एम माइनस थ्री बराबर जीरो। लाइन है कि नहीं है, इस लाइन पर 0.0 से जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस के बराबर होगा। डालो जीरो रखो, जीरो माइनस जीरो क्या बचा एम माइनस तीन बटा रूट में एम स्क्वायर प्लस वन का मॉड बराबर होगा रेडियस के। कौन है रेडियस, वन है क्या इसकी रेडियस। यही चीज यहां पर भी कर सकता था पर मैं क्यों अननेसेसरी काम करूं जब मुझे सेंटर जीरो जीरो मिल रहा है, तो चीजें आसान कर रहे हैं ना। मॉड हटता है तो क्या लगता है माइनस, तो एम माइनस थ्री बराबर प्लस माइनस रूट में एम स्क्वायर प्लस वन बोथ साइड स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एम बराबर एम स्क्वायर प्लस वन, नौ माइनस आठ बराबर छः एम, एम कितना आ गया आठ बटा छः कितना
ये आ रही है स्लोप। वापस देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है। नो सर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया तो स्लोप आ रही है, जबकि दो स्लोप मिलनी चाहिए ना। लाइन दो है, एक ये और एक ये, भाई दो डी सी टी है, स्लोप दो मिलनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है, चेक करो क्या गड़बड़ है। अच्छा भाई एक स्लोप आती है, मतलब हो सकता है दूसरी स्लोप क्या हो, उसकी माइनस हो, अनडिफाइंड हो। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कटा भी तो, ये भी तो देखो कटा है, मतलब एक स्लोप क्या है अनडिफाइंड है, दूसरी स्लोप अनडिफाइंड है इसका मतलब। तो चलो इक्वेशन निकालते हैं। तो एक इक्वेशन क्या है, पॉइंट है आपके पास बेटा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। आपके पास पॉइंट है माइनस वन कमा माइनस थ्री, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो y माइनस वाई वन बराबर स्लोप कितनी है, चार बटा तीन इंटू एक्स प्लस वन। दूसरी लाइन y माइनस वाई वन बराबर स्लोप, स्लोप कितनी है अनडिफाइंड, मतलब एक बटा जीरो इंटू एक्स प्लस वन, ये जीरो में चला गया। तो एक लाइन आ गई x बराबर माइनस वन, और एक लाइन क्या आ गई थ्री वाई प्लस नाइन बराबर फोर एक्स प्लस फोर। सॉल्व कर लेना वो तो, ये डी सी टी आ गई। अब तुम्हें डी सी टी निकालना है, तो टी सी टी के लिए सेम यही पॉइंट भी इसी लाइन को आर वन रेशो आर टू में क्या करता है, तो एक्स और वाई आ जाएंगे टी सी टी के। दो सर्कल के बीच तुम्हें एक पॉइंट मिल गया, तो टी सी टी उसी से तो पास करती है। तो टी सी टी की इक्वेशन वाई माइनस वाई वन बराबर उसकी स्लोप एम मान लो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसको जाके टच कर रही है, तो पी बराबर क्या करोगे आर, उससे स्लोप आ जाएगी, तो फिर से दो टी सी टी आ जाएगी। इस पूरे कंसेप्ट में कोई दिक्कत है क्या? ये चीज़ एक बार अपने पहले भी जा चुकी है स्टेट लाइन में, जब भी एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कटता है एक स्लोप अनडिफाइंड है ना, ध्यान रखना है इसको। चलो नोट करो, तो टी सी टी की लेंथ और ये तुम निकाल लेना, मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, मैच कर लेना कि टी सी टी यही आएगी है ना बेटा। टी सी आएगी, टी सी टी आएगी एक तो शायद वाई बराबर वन, ठीक है ना, और एक आएगी थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव। और टी सी टी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो तुम्हारा आएगा वन बाई थ्री कोमा वन, ये चेक कर लेना आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।